कह रहा है एक सम चतुर्भुज, तो सबसे पहले एक सम चतुर्भुज बना देंगे, ठीक है। एक भुजा की लंबाई 7 है, सम चतुर्भुज चारों भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, सम चतुर्भुज यही। और इसके विकर्णों में से एक 10 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण ये हो गया, ये कितना है मान लो 10। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इस विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। मान लो कि ए बी सी डी, ए सी दिया हुआ है 10 विकर्ण का, और हम लोग से क्या पूछ रहा है, बी डी बराबर क्या हो दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का एक गुण होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं, यानी कौन कौन विकर्ण, ए सी और बी डी, एक दूसरे को लंब सम विभाजित करता है। लंब मतलब 90 डिग्री पर काटेगा, और सम विभाजित मतलब ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी, और ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए। समझ में, ओ बी बराबर क्या है, ओ डी, और ओ सी बराबर क्या है, ओ ए, ध्यान रखिएगा, और 90 डिग्री होगा। हम लोग ले लेंगे कोई एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी में हम लोग को क्या निकालना है, बी डी, बी डी का आधा कौन है, ओ बी ना, अगर आधा निकाल देंगे ओ बी, तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 के सामने में क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और दो भुजाओं के, एक भुजा कौन है, ओ बी, जो कि हम लोग को चाहिए, तब ना ओ बी निकलेगा तो डबल कर देंगे, और दूसरा कौन है, ओ ए, ओ ए जो है ओ सी और ओ ए बराबर है, ए सी का क्या है, ओ ए आधा है, 10 है, तो ए कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 5 का स्क्वायर 25, इधर क्या हो जाएगा, माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 25 24 हुआ ना, √24। तो ओ बी अगर √24 आ गया तो बी डी कितना होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2√24, 24 रूट में से बाहर क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 होता है ना, 4 का 2 बाहर होगा, पहले से 2 है, 2 गुने 2 रूट अंडर का बच जाएगा 6, 4√6, और का चिन्ह होगा सेंटीमीटर, यही उनके दूसरा